और जो यहाँ था सर, यहाँ पे ये फटा था, उसके पास एक रजिस्ट्री थी, वो फटा जो रजिस्ट्री थी वो ऐसे से ये फाड़ के किसी ने उसी वही कॉपी यहाँ पे उसी इन्हीं पन्नों की तरह ऐसे लगा रखी थी। तो बड़ा गंभीर बिठा दी सर, उसी में FIR उसी केस में FIR थी। राजधानी दून में जमीनों की हेराफेरी के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में इन मामलों को लेकर पहले भी अधिकारियों द्वारा जांच की बात कहकर मामलों को दबाने का प्रयास किया गया है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री आज अचानक ही रजिस्ट्रार कार्यालय जा पहुंचे, जहां सीएम धामी रिकॉर्ड रूम देखकर भड़क उठे और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं, सीएम धामी ने कार्यालय की अव्यवस्था पर भी अधिकारियों के पेच कसे। ट्रीटमेंट के लिए आईजी साहब ने भिजवाया था, वो भी बहुत बढ़िया। इसमें सीसीटीवी लगाया गया, अब चला रहा है सर, चल रहा है। लेकिन हाँ सर, ये रिकॉर्ड रूम, ये और हमारा वाला रिकॉर्ड रूम सर, इनकी हालत तो बहुत ही गंभीर है, दीमक है, सब कुछ ऐसा है। सीएम ने रिकॉर्ड में हेराफेरी के मामलों पर डीएम देहरादून को भी सख्त हिदायत देते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, उसका FIR भी हुई है और जो मानक है इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं, और जो कहीं गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश किए हैं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहें, मानकों के आधार पर रहें, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। देखिए, जो भी होगा, चूंकि कोई भी गड़बड़ नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, और उसके लिए हमने कहा है सख्ती से जो है इसकी जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं उनको निकाला जाए। देहरादून से तापस विश्वास की रिपोर्ट।